अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इख्वान कैसे हैं, खैरियत से हैं बेटे? शेख अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज द ट्रिप? ग्रेट यार, माशाल्लाह। और बारिश हुई आज अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं आता हूँ बारिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप जाते हैं तो फिर नफे वाली बारिश होती है। अल्लाह आज हमने वैसे बात भी इस तरह की कुछ कर रही है। रेन मैन, रेन मैन। और ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मौसम ऑफ लाहौर एंड इस्लामाबाद? ठंड है इधर लाहौर में तो गर्मी है, एसी चल रहे हैं। कल हम आए, जी जी, काफी ठंड थी कल हम आए। अच्छा, यहाँ पे मैं तो कभी कभी हीटर लगा लेता हूँ। अच्छा, अभी अभी भी फैंस तो बिल्कुल ऑफ है, या तो एसी का तो नामो निशान नहीं है। मेरे ख्याल में नेक लोग इस्लामाबाद में ज्यादा रहते हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो अल्लाह अकबर, आज सेकंड डे रमजान का और बल्कि सेकंड नाइट है जिसमें हम लोग 11th आवर टॉपिक कवर कर रहे हैं। एंड द यानी टू नाइट्स टॉपिक इज वेरी वेरी स्केरी, ग्रूसम, यस, और बड़ा खौफजदा करने वाला है। हम और हम भी जब इसके बारे में पढ़ते हैं, जब भी रिसर्च करते हैं, तो वी ऑलवेज गेट दिस वाइब कि सुभान अल्लाह इतना कुछ ईवल हो रहा है इस दुनिया में। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सैटर्न वर्शिपिंग, सैटर्न वर्शिपिंग। और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और पिछले सालों से यानी सदियों से हो रहा है ये, लेकिन इतनी एक्सेप्टेबिलिटी, इतना खुलेआम करना पहले कभी भी नहीं था हिस्ट्री में। सो आज हम ना इस पर बात करते हैं कि जो शैतान की और इब्लीस की जो इबादत हो रही है, और यानी जितने भी पेगन गॉड्स हैं या डिफरेंट जो जो शैतान के हेड्स हैं, उनकी जो इबादत की जा रही है बड़े बड़े इवेंट्स पे, तो ये क्या क्या फिलॉसफी है, इंशाल्लाह से बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक ब्रो? शेख, इससे पहले टॉपिक पे आऊँ, मैं एक डिस्क्लेमर मेरे ख्याल ज़रूरी है ऑडियंस के लिए कि देखें, यहाँ पे हम शैतान को बिल्कुल भी रेवर नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्हें बढ़ा चढ़ा के। यानी एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार ये तो आप उन्हें बहुत वो कर रहे हैं। वी नो के दे आर वीक, उनके ट्रैप्स भी वीक हैं, और इंशाल्लाह इस्लाम का ही गलबा आना है। हमारा पर्पज़ ये है आज बात करने का कि देखें, वी वॉन्ट दी ऑडियंस टू अंडरस्टैंड के यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टूडेज़ वर्ल्ड। यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेके म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिर फूड इंडस्ट्री, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, तो उसकी आगाही बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस फितने से इंशाल्लाह जो है वो बच सकें। और देखें ना, अल्लाह ने भी कितनी बार कहा है कि शैतान के पीछे ना जाओ, उसके फुटस्टेप्स को फॉलो ना करो। इन्नहुम लकुम अदुव्व मुबीन, बदतरीन वो तुम्हारा जो है दुश्मन है। तो आई थिंक पहले अगर हम कुरान से देखें कि कुरान ने इस टॉपिक के बारे में क्या हमें बताया है कि सैटन वर्शिप इज़ दैट रियल, और इब्लीस क्या कर रहा है। तो इसमें सूरह निसा की आया बड़ी रेलेवेंट है, वर्स 119। इसमें चार जो है वो शैतान के प्रॉमिसेस जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जब जुर्रत की ना उसने, तो उसने चार बातें की अल्लाह ताला को। सबसे पहली बात उसने ये की कि आई विल लीड देम एस्ट्रे, मैं इन्हें गुमराह करूँगा। सेकेंड बात उसने ये की कि मैं इनकी जो डिज़ायर्स हैं शहवाद उनको भड़काऊंगा। और तीसरी बात उसने ये की कि मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि कैटल का कान काटे, यानी सुपरस्टिशंस में लगाऊंगा। ये अरब्स का एक सुपरस्टिशियस बिलीव था ना कि वो शी कैमल के कान काट देते थे जिसके कुछ बच्चे हो जाते थे। चौथा उसने कहा कि मैं इनको हुक्म दूंगा अल्लाह की तख्लीक को चेंज करें। अभी ये चार चीज़ें ही हम पकड़ लेना तो आप देखें कि किस तरह इन चार चीज़ों पर वो इस वक्त काम हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ से हम डिस्कशन शुरू करें और कुरान को ही देखें, उसमें शैतान की इबादत का बकायदा जिक्र है। अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह यासीन में कहा ना कि ऐ बनी आदम, मैंने तुम्हें मना किया था शैतान की इबादत ना करो, लेकिन इसके बावजूद वो तुम में से कितने लोगों को, मल्टीट्यूड्स ऑफ यू, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल, वो उसकी तरफ गए हैं, उसकी इबादत में गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बू को कहा था ना कि या अबती, आप शैतान की इबादत क्यों करते हैं? तो इसका मतलब कि इट इज़ इन द लिटरल सेंस एज वेल। और एक आयत में और सुना दूं फिर इंशाल्लाह आप बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग आयत, दिस इज सूरह अल अनआम वर्स 128। इसमें अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, व यौम यहशुरहुम जमीअन या माशर अल जिन्नी कद इस्तकसरतुम मिन अल इंस एंड मेंशन ओ मोहम्मद द डे व्हेन ही विल गैदर देम टुगेदर एंड से ओ कंपनी ऑफ जिन यू हैव मिसलेड मैनी ऑफ मैनकाइंड एंड देयर एलाइज अमंग मैनकाइंड विल से वकाला औलियाहुम मिनल इंस रब्बना इस्तमता बाज़ुना बिबाज़िन आवर लॉर्ड्स एंड देयर एलाइज अमंग मैनकाइंड विल से आवर लॉर्ड सम ऑफ अस मेड यूज ऑफ अदर्स एंड वी हैव नाउ रीच्ड आवर टर्म व्हिच यू अपॉइंटेड फॉर अस। देखें यूज़ का जिक्र, कि शयातीन भी उनसे यूज़ लेते हैं,
और वो भी शैतान से यूज लेते। तो अल्टीमेटली वो जो इबादत है उसका मेन पर्पस है कोई बेनिफिट लेना, तो इट गोज बोथ वेज। तो आई थिंक ये मेरी तरफ से कुरान के हवाले से इनपुट है। लेकिन हम जो अल्लाह सुब्हान तआला अकेले हैं, वाहिद हैं जी, ठीक है, लेकिन जब इबलीस ने बगावत की और इबलीस को मर्दूद करार दे दिया गया, तो इबलीस अब रेबल बन गया एक तरह से, ठीक है। अब वो चाहता है कि लोग अल्लाह के को छोड़ के मेरी फॉलोइंग करें और हत्ता के मेरी इबादत करें जी। जैसे दज्जाल भी आएगा ना, वो पहले लोगों को अपनी फॉलोइंग में डालेगा और फिर इबादत में डालेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। इबलीस ने भी ये किया, और जैसे इबलीस भी ना अल्लाह ताला को इमिटेट करना चाहता है, ठीक है। अल्लाह ताला जो करते हैं ना, यानी कान अर्श अल मा, अल्लाह का जो अर्श था वो पानी पे था, इबलीस का जो तख्त हदीस में आता है वो कहाँ पे रखता है, पानी पे लगाता है वो, ठीक है। इसी तरह से वो जो बैफमत है, जो एक गॉड है जो गोड के साइज, उसके जो हाथ का आप साइन देख लें वो ऐसे है, ठीक है, दो और एक हाथ नीचे से जा रहा था, टू वन प्लस वन इलेवन का जो नंबर है इनका, वन प्लस वन के एक अकेला नहीं है, वाहिद नहीं है, कुल मतलब वाहिद नहीं है, बिल्कुल, उसके साथ एक और जात भी है। इस तरह से शैतान को देखें कि वो जब सूरज गुरूब हो रहा होता है या सूरज तुलू हो रहा होता है, हदीस में क्या आता है कि वो अपने सींग जो है ना सूरज के सामने ले जाता है, मेकिंग इंप्रेशन के सूरज मेरे सामने सजदा कर रहा है, बिल्कुल, और मेरे सामने मेरे नाम से तुलू होता है, मेरे नाम से गुरूब होता है, ठीक है। तो शैतान वॉन्ट्स टू इमिटेट गॉड, और जिस तरह से जैसे हमने शायद कल भी बात की कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को आजमाता है कि तुम मेरी मोहब्बत में कितने पक्के और सच्चे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया था कि तुम इस्माइल को ज़बह करो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को छुरी तो भेजी लेकिन अल्लाह ताला औलाद नहीं लेना चाह रहे थे। इसी तरह से इबलीस भी ना जो अपने लॉयल्स हैं ना, जो कोर लॉयल्स हैं, उनको भी आजमाता है कि तुम मेरे लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, मेरे लिए क्या करो, मेरा नाम तुम सबके सामने प्रमोट कर सकते हो, मेरे नाम की वर्शिप कर सकते हो, इसलिए आप जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजिकल जो इवेंट है क्लाइमैक्स के नाम से उसको आप देख लें, उसमें सुभान अल्लाह ओपन सैटर्न वर्शिपिंग है, बिल्कुल ऐसे, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि इबलीस खिताब कर रहे थे लोग, और वो पीछे डबिंग और एक वो एक कंप्यूटर की आवाज है कि तुम लोग मेरी टेरिटरी में आ गए हो, आई एम योर डार्क साइड, आई एम विद एवरीवन, करीन का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, और वो कहता है कि इवन ऑस्कर में देख ले सुभान अल्लाह जिसे वेलकम किया गया, वेलकम टू द गॉडलेस सोडोमाइट्स, यानी अल्लाह का इनकार करने वाले सोडोमाइट्स मींस सोडोमी का जो एक्ट करते हैं, यानी कौम लूत वाला जो अमल करते हैं, इस तरह से वो शुरू कर रहे हैं। और ऑस्कर में तो एक एविडेंसेस आप बाद में दीजिएगा, पहले जो मुआशरे में लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना इन बातों की तरफ, वो होता है कि यार ये बकवास बातें हैं सारी, ठीक है, ये बातें वो हैं कि लोगों ने अटेंशन सीकिंग के लिए काम का लिंक किया हुआ है, ये साइन उसने बाई चांस किसी ने ऐसे साइन कर दिया, ऐसे साइन कर दिया, ठीक है, दूसरा फिंगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये फॉर द सेक ऑफ ओनली लिंकिंग है, जिसको आप लोग ना कंस्पिरेसी थ्योरीज है, तो लोग कहते हैं कि यार आप लोग बहुत ज्यादा ना कंस्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ पढ़ के ना और उस चीज को एग्जैजरेट करके और अपनी वो फॉलोइंग करने, इसको मैं समझता हूं सबसे पहले हमें एड्रेस करना चाहिए कि क्या इसकी रियलिटी क्या है ब्रो। ये जो थॉट है ना ब्रो, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करती थी प्रोबब्ली 20 साल पहले। लोगों को आइडिया नहीं था यार ये तो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं और ये कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट ऐसी ऐसी बातें करते हैं ब्रो, बट अब तो इतना क्लियर है जिसको कुछ बेसिक भी पता है ना आजकल दुनिया का, ये नेवर थिंग्स लाइक दैट। असल में मेरे ख्याल में ना इसमें जिन लोगों को बेसिक पता है ना वो बड़े कम होते जा रहे हैं बेसिकली। ये जो इन्होंने ट्रैप्स अपने सारे जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं, लोग इतने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं म्यूज़िक से लेकर आप बाकी जो जितनी भी इनकी एक्टिविटीज़ हैं कि एक बेसिकली इनका भी एक कल्चर है ना, एक अल्लाह ताला ने हमें एक निज़ाम दिया कि हमारा एक इस्लामिक कल्चर है, एक शैतान ना उसका एक अपना कल्चर है जिसके अंदर ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जिसके अंदर इवन मैं कहूँगा दूसरे किस्म की इंटरटेनमेंट्स है ना, मैं खुद दो फुटबॉल देखता, लेकिन यू नो इस तरह फुटबॉल NFL प्रीमियर लीग इन चीज़ों में लोगों को बुला दो कि एक बिल्कुल बेखबर हो जाए कि दुनिया में हो क्या रहा है। जरा आपने कहा ना कि जिसको थोड़ी सी भी जिसकी आँखें खुली है ना वो पहचान लेगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग 9 to 5, ये गाना शाना म्यूजिक पब्स ड्रिंकिंग ये करके बिल्कुल गफलत 100%, दे हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग टू देम और व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। तो जब एक वो जो आवाम जिस तरफ निकल गई है ना, वो उनमें से शायद कुछ तरह की बातें करते हो, लेकिन वही बात है कि एविडेंसेज इतने वाजे होते जा रहे हैं कि थोड़ा सा भी जो आंखें खोलेगा ना, मतलब अब तो इंटरव्यूज हैं म्यूजिशियंस के जिसमें वो क्लियरली अपन बोल रहे हैं वी सोल्ड आर सोल्ड टू द डेविल, मतलब अब इससे ज्यादा एविडेंस क्या चाहिए। आप लिरिक्स गानों को उठाएं,
इतने सारे हैं जिसके अंदर डेविल का नाम इस्तेमाल होता है. इनफैक्ट ऐसे ऐसे लिरिक्स हैं गानों के जिसमें पीडोफिलिया को प्रमोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी मैंने अपना सोल डेविल को सोल्ड भी कर दिया, और यू नो इट्स डिफिकल्ट टू यू नो, मतलब अजीब अजीब बातें सोल से रिलेटेड और डेविल से रिलेटेड. उसमें जो सैम स्मिथ ने जो अनहोली अनहोली उसका गाना है, टाइटल है, उसने जो गाया था वो सलमान तो दूर दूर ब्रो. क्रिश्चियंस ट्वीट देख लें आप उनकी, आप पढ़ लें सारे, वो बैश कर रहे हैं कि दिस इज क्लियर सैटनिज्म. वो उसने क्या किया हुआ, पूरा रेड लिबास पहना हुआ है, सामने अपने जो है ना वो ईविल यानी जो खवातीन जो उनके सामने है वो उसको बार बार सजदे कर रही हैं और सर फेंक रही हैं, और विचेस वाला लिबास पहना है, उसका जो कैप है वो डेविल के हॉर्न है और जो स्टेक है, और उसके अल्फाज देख लें आप. हम चलो इन बातों में यकीन नहीं करते, लेकिन उसके अल्फाज देख लें आप कि ही इज वर्शिपिंग सैटन. और गोरे जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो कह रहे हैं कि इवन मेगन फॉक्स और बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि दिस इज क्लियर सेट वेक अप गाइस. हां बिल्कुल, क्रिश्चियंस तो आई गेस बहुत ज्यादा खड़े होते हैं ना, और आपकी एक बड़ी बड़ा एविडेंस ये भी है कि सेटेड चर्चेस भी आपको जगह-जगह मिलेंगे. लंदन में बड़ा ओपनली वाइस की डॉक्यूमेंट्री है, उस पे उन्होंने किया हुआ इंटरव्यू उसके बंदे को, और मतलब दे आर एवरीवेयर. बिल्कुल, और ब्रो आपने जो कहा ना कि हम कैसे इन लोगों से बात करें, देखिए मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि सेटन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कुरान मजीद की रोशनी में तो इसका तो इनकार नहीं किया जा सकता वो नहीं है. दूसरा फिर कितनी आयात हैं जो मैंने कुछ रखी हुई आपके सामने कि जिसमें उसकी इबादत का जिक्र है, जिसमें अल्लाह ने यह बताया कि ये जिन बुतों की इबादत करते हैं उनमें फ़ीमेल डेविल्स हैं और कोई भी नहीं. तो इसी तरह देखिए इवन बाल एक जो इनका एक पैगन डाइटी जो बेसिकली लूसीफर ही आप कह लीजिए, उसका जिक्र कुरान मजीद में है और सूरह साफात में है. मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, अतदउना बालन व तजरून अहसन अलखालिकीन, डू यू कॉल अपॉन बाल एंड लीव द बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स. यानी तुम बाल को बुलाते हो. अब थ्रू आउट हिस्ट्री आप ये करेक्टर को देखें ना, बाल को ये शक्लें चेंज कर करके मुख्तलिफ फॉर्म्स में गॉड का आप कह लीजिए एक मैनिफेस्टेशन के तौर पे आ रहा है. इवन तर्जुमा क्या दिया हुआ है, लिटरल लिटरल ये बस नाम ही, इसका नाम ही गॉड का नाम पेगन, ये गॉड है. और ये जो बैलेंसियागा है, बैलेंसियागा ये लैटिन वर्ड है, पेरिस का ब्रांड है, और इसका अगर आप अभी कर लें गूगल ट्रांसलेट लिखें लैटिन को करके, इसका मतलब है बैल इज द किंग. यस, और बैलेंसियागा कितना कंट्रोवर्शियल ब्रांड है, इसका जो आर्टिस्ट है माइकल बोरसमैन, वो उसने के जो उसका जो उसने जिस तरह से बच्चों को हम इमेजेस भी दिखाएंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इंशाल्लाह, बच्चों को किस तरह से उन्होंने वो BDSM वाली क्लोथिंग पहना के, या बच्चों के हाथ में टेडी बियर है, और उसने जो BDSM क्या है जो कि फोर्स्ड या वाइल्ड सेक्स है, ठीक है, उसके वो करके बच्चों को वो किया हुआ है. और पीछे माइकल बोरसमैन को गूगल कर लें आप, वो ऐसा आर्टिस्ट है जो पीडोफिलिया को प्रमोट करता है, ऐसा आर्टिस्ट है जो कि यानी हर तरह से गंदगी को प्रमोट करता है. और उसने उसका जो फोटो शूट है उसमें जो खातून बैठी हुई है उसके पीछे जो फाइल्स पड़ी हुई है उस पर माइकल बोरसमैन का नाम भी लिखा हुआ है. सो दे आर प्रोमोटिंग पीडोफिलिया. और ये जो गुची है, ये जो बैलेंसियागा है, ये कैरिंग एंड को कंपनी है. कैरिंग कौन पेरेंट कंपनी है, वो ओन करती है गुची को भी, वो ओन करती है उनको, और ये बेसिकली ओन बाय इल्यूमिनाटीज एंड सैटनिस्ट्स. देखिए ना, वो सेटन की एग्जिस्टेंस शुरू से है, तो आपको नहीं लगता कि उसने इतनी पावर अब तक ले ली होगी. और जैसे मैंने आयत आपको सुनाई कि जिन्नात इकरार करेंगे कि हमने इन लोगों को गुमराह किया है, और देवर हेल्पर्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से बेनिफिट लिया करते थे. तो इट्स वेरी क्लियर कि सेटन जो है वो फारिग तो नहीं बैठा हुआ ना, हर तरफ से हर एंगल से आने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसने ललकारा था अल्लाह, उसने कहा था कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा इन्हें. सो इट्स बिकमिंग अ प्रॉपर रिलीजन. यस, बड़ी जबरदस्त इसमें बात है कि हम लोग अक्सर जब शैतान का जिक्र करते हैं ना दीनी सर्कल में, तो हम बड़ा उसको ना सिंपल सादा सा समझते हैं कि वो बस मेरे पे ना कोई पर्सनल सा अटैक कर रहा है, मुझे उसने ना कोई वसवसा डाल दिया कि नमाज छोड़ दो. बस हमारा ना तसव्वुर शैतान का ये है कि वो बस इंडिविजुअली बस हर किसी को फिसलाने में लगा. बट ऑब्वियसली वही बात जो रिबे ने भी किया ना कि वो हमेशा से है, और हम जब पढ़ते भी हैं कि शैतान कितना स्लो ग्रेजुअली किस तरह लोगों को शिर्क की तरफ भी लेकर आया, वो कुरान में भी है शुरू में गॉड की पहले पिक्चर, और आहिस्ता आहिस्ता उसको तो बड़ा पेशेंट है. तो उसने क्या दुनिया के निजाम के ऊपर काम नहीं कर रहा, आहिस्ता 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 पूरी दुनिया को वो इस पॉइंट पे लेकर आए कि वो उसकी इबादत करे. और शुरू में नहीं कहता कि मेरी इबादत करो, शुरू में इंसान को शहवत, जिना, पॉर्न एडिक्शन इन सब में लगाता है, और जब इंसान
पॉर्न को देखते थे इस हद तक पहुँच जाते कि इसको वो पॉर्न प्लीज नहीं करता, फिर वो आगे बढ़ता है पीडोफीलिया पे, फिर वो आगे बढ़ता है डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज पे, होमोसेक्सुअलिटी पे जाता है, फिर अल्टीमेटली इंसेस्ट पे जाता है, ठीक है, फिर मतलब इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वो काम यार इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे जो है ना इनका वो है कि जो ये जो सर्टेन चर्चेज हैं और इनकी जो अंडरकवर जगह है ना, मतलब 60 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको पहले भी बता रहा था, यूट्यूब पे एक चैनल है, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है इस पर, एक बच्ची है जिसका नाम है टेरिसा, ठीक है, 15 ईयर्स ओल्ड है, वो इन सब लोगों के उसमें से निकल के आई है और उसका इंटरव्यू हो रहा है और बड़ा पुराना इंटरव्यू है, मुझे समझ नहीं आई अभी तक, मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि अभी तक कैसे वो यूट्यूब पे, बट इट्स स्टिल देयर मिलियंस ऑफ व्यूज, तो वो सारी स्टोरी आप अगर उस बच्ची का वो इंटरव्यू देखेंगे ना तो शी इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, द वे शी इज़ स्पीकिंग इतना ऐसा से और समझ भी नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है, तो वो जो चीज़ें बता रही है ना, तो ये जो फिल्थ आप बता रहे हो उसमें ये भी है कि 11 ईयर्स की एज में जो है वो मल्टीपल टाइम्स उसका एबॉर्शन भी हो चुका था और एक उसकी बेटी भी थी 11 ईयर्स की जब वो थी, अभी वो 15 साल की, ठीक है, शी नरेट्स के एक बार ऐसा भी हुआ कि उनकी जो पूरी गैदरिंग थी, सेरेमोनियल गैदरिंग जो थी, उसमें वहाँ दो डॉक्टर्स और नर्स भी हमेशा होते थे, तो मेरा फीटस उन्होंने निकाला, ठीक है, और वो फीटस ज़िंदा था, उसको उन्होंने मारा और मेरे सामने खाया खाया और मुझे भी फोर्स किया और मुझे भी खिलाया, मतलब इस हद तक का फिल्थ जो है ये लोग करते हैं। और ये एक आइलैंड का नाम आपने सुना होगा, ये जेफरी एप्स्टीन, इसका आइलैंड वो कैरेबियन में, अमेरिकन है ये बंदा, और उस आइलैंड पे बकायदा एक टेंपल है और इस आइलैंड के बारे में बकायदा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद है कि यहाँ ऑर्जीज, सेक्सुअल ऑर्जीज प्लस पीडोफीलिया एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, इसके भी कुछ सर्वाइवर ने जो है ना वो बयान दिए कि वाकई यहाँ पर ये काम होते थे। तो देखिए ना, अब ये कोई जैसे तहा ने कहा 20 साल पहले आप कह सकते थे कि हाँ कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन अब तो इतना ज्यादा एविडेंट हो चुका है, जैसे आपने आइलैंड किया ना, अब इसकी ड्रोन फुटेजेस चीजें लोग मतलब एक्सेस भी बढ़ता गया ना, तो लोगों को चीजें कैप्चर करना भी आसान होता गया, ये आपने सर के इंटरव्यूज हैं बहुत सारे लोगों ने देखा है कि किस तरह वहां पे लोगों को साइलेंट तक पहुंचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो ये चीजें भाई से सामने आते जा रहे हैं। मोहम्मद अली भी कहना ये बार्गेन है, ये बार्गेन है, ये एक डील है कि तुम मेरी इबादत करो, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें फेम अता करूँगा, मैं तुम्हें इवन सुभान अल्लाह शेख, मुझे वाकया याद आ गया अचानक से, शेख मोहसिन अल इबाद है ना, मदीना में मस्जिद नबी में पढ़ाते हैं जी, और मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, शेख बिन बाज के स्टूडेंट हैं, उनके जो बेटे ना शेख अब्दुल रज़ाक बिन बदर, वो ये वाक्य खुद सुनाते हैं और कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास आया और कहता है कि शेख मैं आपको अपना वाक्या बताता हूँ और सुनाता हूँ, कहते हैं कि शेख मैं आई वॉज फाइनेंशियली वेरी पुअर, वेरी वीक, और मैं चाह रहा था कि बड़ी ट्राई की मैंने किसी तरह से पैसे कमाऊँ, कुछ करूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं कुछ करने के लिए तैयार हो गया, तो मेरा जो नेबर था वो रातों रात मालदार हो गया, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ, तो उसने मुझे इग्नोर करता रहा, यानी मुख्तलिफ वीडियोज़ में ना वाक्या ये मैं जोड़ के बता रहा हूँ आपको, तो उसने कहा जब तुम हर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे ना फिर आना मेरे पास, तो कहते मैंने बड़ी ट्राई की कि मैं कुछ कर लूँ लेकिन इस्टेब्लिश नहीं कर सका अपने आप को मैं, तो मैं उसके पास गया, उसने कहा तुम रेडी हो, रेडी हो, तो मैंने कहा फिर तुमने जो मैं कहूँगा वो करना है और ना नहीं करना, ठीक है, तुमने लॉयल्टी मुझे देनी है, उसने कहा ठीक है, उसने कहा कि एक पर्ची पर नाम लिखा और कहा कि ये नाम है, फलां फलां जगह पर जाओ, सी शोर के पास थी वो जगह, और कहा कि तुमने ये नाम बार बार पुकारना है वहाँ जाके उस टाइम पे जब सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा हो, जैसी डूबेगा ना तुमने पुकारना, जब तक डूबेगा तब तक एंड ऑन द टॉप ऑफ योर लंग्स तुमने पुकारना है, ठीक है, यू हैव टू शाउट, वो शख्स कहता ठीक है, मैं चला गया, मैंने कहा क्या होगा देखते हैं, और उसने कहा ही इज़ द मास्टर निबड़ने का, जब वो वहाँ पर गया उसने उसको नाम पर पुकारना शुरू किया, तो कहते हैं कि लो एंड बिहोल्ड आई वॉज शॉक्ड टू सी अ क्रिएचर हु वॉज नॉट अ ह्यूमन एंड नॉट एनिमल, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, इट वॉज अ बीस्ट टाइप क्रिएचर, उसने कहा कि तुमने मुझे पुकारा है बताओ क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मुझे वेल्थ चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो उसने कुछ डिमांड्स रखी, अच्छा एक वीडियो में तो एक आती है, कुछ मजीद में जहाँ तुम्हें याद आ रहा है मुख्तलिफ और भी आती हैं, उसने कहा कि तुमने 40 दिन के लिए फलां गार में जाना है, डीप इनसाइड दैट केव,
जहाँ पे सन लाइट पहुँचे तक भी ना, और एक सुराख में एक होल, एक सर्कल में तुमने बैठना है और तुमने ये वर्शिप करनी है, और तुमने उसी में तुम्हें उसे निकलना नहीं है फॉर 40 days. तुम्हें खाना वाना सब दिया जाएगा, यू हैव टू यूरिनेट इन दैट, यू हैव टू पास टूल इन दैट, हर चीज़ तुमने वहीं पे करनी है. उसने कहा ठीक है, मैं करने के तैयार हूँ. दूसरे उसने कहा कि तुमने अपने किसी महरम रिश्ते से जिना करना है, अपने वालबिल्ला, अपनी बहन, वालदा, बेटी, खाला, महरम से. उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ. तीसरी चीज़ उसने कही कि तुमने आज से बाद नमाज़ नहीं पढ़नी. तो वो कहता है कि शेख, हमारे पेरेंट्स ने हमें नमाज की इतनी आदत डाली हुई थी कि वी नेवर लेफ्ट सलाह इन आवर लाइफ. हम गाड़ी पे जा रहे हैं तो हम नमाज मुसल्ला जाके पढ़ लेते थे, तो पेरेंट्स ने ऐसी तरबियत की थी, नमाज हमारी घुटी में थी, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा. तो जब उसने मुझे कहा नमाज नहीं, तो आई कुडंट फैदम दिस फैक्ट कि मैं नमाज नहीं पढ़ाऊँगा. तो मैंने उसे कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं नमाज नहीं छोड़ सकता. दैट एनिमल, दैट जिन स्क्रीम्ड एंड शाउटेड और वापस चला गया. ये कहता है कि मैं डर गया कि मुझसे क्या गलती हो गई. मैं भाग के आया अपने नेबर के पास, पहुंचा तो नेबर ने मुझे बड़ा गालियाँ दी, लान दन, तो तुमने मेरे मास्टर को डिसप्लीज कर दिया, तुम तो पहुँचो यहाँ से, और ये तो वो है और सब. बस शेख के पास से उसने कहा, शेख मेरी नमाज ने मुझे बचा लिया. और शेख ये तफसीर कर रहे थे, इन सूरह तन्हा अनिल फाशा इवल मुनकर, नमाज भी है इब्राहिम से, तो उसके अंदर ये वाक्य सुनाया. किस शेख के पास थे? शेख अब्दुल रज़ाक बदर. अच्छा, शेख अब्दुल रज़ाक बदर शेख मुस्लिम बात के बेटे और मस्जिद नबी में जो होते हैं. ये इज़ अलाइव माशाल्लाह, उनकी वीडियोज अभी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, और ये वाक्य यूट्यूब पे भी कुछ यानी शॉर्ट पढ़ा होगा, डिटेल में शायद नहीं पढ़ा. सो द पॉइंट इज के दीज म्यूजिशियंस, दीज पीपल, इवन पीपल इन पॉलिटिक्स, इवन पीपल हु वांट फेम, इवन पीपल हु वांट पावर, दे मेक सेक्रीफाइसेस. ये इतनी गंदगी करते हैं ना, दे यानी सेल देयर सोल्स टू डेविल. ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम, बट अगर आप यानी अगर हमारा हमें पब्लिकली अनाउंस करने का मसला ना होता ना, तो हम नाम ले लेके बताते हैं कौन कौन से पॉलिटिशियंस. और मैं पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ कि वो सर्टन वर्शिपर्स हैं और वो किस हद सेक्रीफाइस करते हैं. एंड दे प्रमोट होमोसेक्सुअलिटी, दे प्रमोट सैटनिज्म, दे प्रमोट pedophilia, they promote every kind of filth on the face of this earth. बल्कि हमारे एक भाई हैं, अहमद खान भाई नाम ले लेता हूँ, वो आपको पता है उनकी जॉब ऑनलाइन एक वो सऊदीया में जो है दावा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं. तो कहते हैं एक बार मेरी एक अकल्टिस्ट से बात हुई, उसने एक्सेप्ट किया मैं अकल्टिस्ट हूँ, हालांकि वो ज्यू था, लेकिन ये कि वो कहता कि हम जूडाइज़म को प्रैक्टिस नहीं करते, तो मेरे फादर भी अकल्टिस्ट हैं, मैं भी. तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम लोग क्या करते हो. उसने कहा जी कि हमें हुक्म दिया जाता है कि तुम मेहदी को गालियाँ दो, ईसा को गालियाँ दो, यानी हर इस्लामिक फिगर और करेक्टर को गालियाँ दो. तो कहते कि उससे फिर उससे पूछा गया कि इसके रिटर्न में तुम लोगों को क्या मिलता है. तो वो कहता है कि इसके रिटर्न में हमें बेनिफिट्स और फेवर्स मिलती हैं. तो उन्होंने कहा सच एज़, उसने कहा कि सच एज़ के मेरे वालिद घर बैठे होते हैं और उनकी शक्ल में जो है ना वो डेविल, डीमन, द जिन, वो जाके काम कर रहा होता है उनके ऑफिस में जाके. तो यानी वो कहते हैं आई वाज शॉक्ड कि दिस काइंड ऑफ बेनिफिट, यानी कौन नहीं चाहेगा ये चीज. तो देखे ना कि ये इट्स रियल, वो बंदा खुद जो एक्नॉलेज कर रहा है, हालांकि वो मुसलमान नहीं है. और शेख आपने भी बात की, खुरम भाई ने बात की, म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका एक वो बहुत ज्यादा एंट्री, तो उस हवाले से एक कैरेक्टर है रेन मैन, इसके मैं पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ. रेन मैन जो है, दिस इज अ डीमन डाइटी रूलिंग ओवर द म्यूजिक इंडस्ट्री. इसके पावर्स और स्किल्स क्या हैं? करप्टिंग इन्फ्लुएंस एंड डार्क पावर्स. हॉबी क्या है? मेकिंग डील्स विद पीपल हु वांट टू राइज इन पॉपुलैरिटी एंड पावर एंड करप्टिंग देम आफ्टरवर्ड्स. गोल्स, इंक्रीज द रैंक्स, एक्सरसाइज अल्टीमेट पावर ओवर द म्यूजिक इंडस्ट्री. और इसके जो क्राइम्स हैं उनमें इंस्लेवमेंट है, ब्रेन वॉशिंग है, रेप है, मर्डर है. और देखें ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, M&M के गानों में रेन मैन का जिक्र है. अच्छा, रेहाना के गाना अम्ब्रेला, अंडर माई अम्ब्रेला, वो एक पूरे उसके लिरिक्स में अगर आपके सामने रखूं, देखें अम्ब्रेला तो सिंबल है रेन मैन का, और अम्ब्रेला से रेन गिरती है. रेन से उनकी मुराद है ब्लेसिंग्स, यानी जब आप उसके साथ डील करोगे, यू विल सेल योर सोल टू द रेन मैन, तो वो फिर आपको इन रिटर्न ब्लेसिंग्स देगा, और वो ब्लेसिंग्स फेम की शक्ल में है, पैसे की शक्ल में. ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है यार, अल्लाह ताला रेन. एग्जैक्टली, तो देखें मुझे आपने कहा था कॉपी करने की कोशिश. ये पहले तो मैं जी आपको ये M&M का गाना है, और हमारे बच्चे बहुत शौक से जो है ना वो M&M को सुनते हैं. तो इस गाने का जो नाम है दैट इज़ माई डार्लिंग, और ये मैं
नहीं चाहता कि अब लोग इसको सर्च करें लेकिन लेकिन ये कि यहाँ पे ये बताना ज़रूरी कि देखें ये हमारे बच्चे जो है वो सुन रहे हैं और इसको बड़ा लाइक जो है वो किया जाता है। सो ये इसके थोड़े से लिरिक्स मैं बताता हूँ, मैंने सुना नहीं वरना सुर में जी यार ही जस्ट मेंशनिंग इट, वो भी आपको पता है उस पे कोई ना कोई बात आ सकती है क्योंकि मैं इसीलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि देखें आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारी ऑडियंस है वो इनको सुनती है, एमिनेम हो गया ठीक है, ये ओ लेवल ए लेवल के बच्चे तो जरूरी है उनको ये बताना। तो ये देखिए ये है जी कि यू रिमेंबर दैट नाइट यू प्रेड टू गॉड, यू वुड गिव एनीथिंग टू गेट अ रिकॉर्ड डील, वेल ड्री साइंड यू, दिस इज व्हाट यू वांटेड योर होल लाइफ मार्शल राइट, लुक एट दिस हाउस, लुक एट दीज कार्स, आई एम सो नाइस, ओह बट यू डोंट नो फेम हैज अ प्राइस टू दैट यू आर जस्ट नाउ सीइंग द डाउन साइड टू। तो ये इसमें वो कह रहा है कि जब तुमने डील की थी तुम्हें सोचना चाहिए था, अब तुम्हें कार्स और ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं लेकिन इसकी डाउन साइड भी है और वो ये है कि यू हैव सोल्ड योर सेल्फ टू द डेविल। और यही कॉन्सेप्ट जो है, फिर आगे रेन मैन का जिक्र है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो अम्ब्रेला जो गाना है उसमें भी है और उसके भी लिरिक्स यही है कि अम्ब्रेला से रेन मैन जो है बारिश बरसाएगा और आ जाओ मेरे अम्ब्रेला के नीचे, मतलब ये क्रक्स है उस गाने का। तो इट्स वेरी क्लियर। और फिर बियॉन्से का मुझे एक वो याद आ गया, एक उसने एक बार इकरार किया था कि व्हेन आई एम ऑन स्टेज तो इट्स नॉट मी, मेरे अंदर कोई रूह आ जाती है, कोई सोल आ जाती है और वो परफॉर्म कर रही होती है। तो देर इज़ नॉट अ सेकेंड डाउट ब्रदर्स के ये लोग ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ऐसे अकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं कि जो इंतहाई गंदी गलीज और उससे बकायदा शयातीन पोजेस कर लेते हैं और फिर वो कुछ भी करवाते हैं इनसे। और जो लोग यानी बगावत करते हैं तंग आ जाते हैं जी इनसे, तो पूरी दुनिया बायकॉट करती है उनका। फिर जैसे मैंने कल भी मेंशन किया कि जो कानिए वेस्ट है उसने एक इंटरव्यू में क्या दिया, डिप्रेस हो के और अपने मुश्किल में के आई सैक्रिफाइस माय मदर फॉर द सेक ऑफ डेविल, और पूरी दुनिया उसके उसमें पड़ गई कि ये क्या बकवास है ये वो सारा। और एडिडास ने जो जीजी जो ब्रांड और जो है ना से अटैच था कानिए वेस्ट से, उन्होंने पुल ऑफ कर दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान एडिडास को हुआ, बट दे कैन नॉट विल बेयर दिस लॉस बट वी कैन नॉट हैव कानिए वेस्ट विद अस, क्योंकि ये लोग करते थे सैक्रिफाइस। इवन बिली आइलिश ने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जो ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, ये पूरा आप देख लें वीडियोज देख लें, इस पर बहुत से लोगों ने वीडियोज बनाई हुई हैं कि शी सैक्रिफाइज हर बेस्ट फ्रेंड टू प्रूव हर लॉयल्टी टू द वर्ल्ड। और लोग कितने यानी बच्चों को मारते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज लाए जाते हैं, लाए जाते हैं और उनको ज़िबा किया जाता है। फिरौन क्या था, यानी फिरौन क्या था, फिरौन क्यों क्यों तावीज़ में फिरौन के नाम लिखे जाते हैं, क्यों जन्नात और शैतान फिरौन को प्रेस करते हैं, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अलायज एंड कोर लॉयल्स ऑफ शैतान राइट। क्यों ये जो वन आई का जो निशान है इसको इतना प्रमोट किया जाता है, बिकॉज दज्जाल विल बी द वन ऑफ बिगेस्ट वेपन्स ऑफ शैतान। सो जो इनके बड़े बड़े लॉयल्स हैं ना, जो उन्होंने काम किए, वो अपने छोटे छोटे जो चेले हैं ना, ये जो म्यूजिशियन हैं उनसे वो काम करवाते हैं। इसका इन्फ्लुएंस जो है ना, एक तो वो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ना, जैसे आप पहले बता रहे थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हमारी सोसाइटीज में भी अब मौजूद है, बिल्कुल, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक यू कैन से। इसके सबसे और बड़ी एग्जांपल है ना, अच्छा अगर कोई बंदा सुन रहा है, अच्छा यार ये बहुत बड़े हैं, हम लोग तो उस तरफ नहीं जाते, थिंग इज कि आप अगर इनका म्यूजिक सुन रहे हैं ना, रैप म्यूजिक ले लें, आप थोड़ा सा हैवी मेटल जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, आप में हाल से शौकीन थे, तो उसके लिरिक्स हैं वो आपको किस चीज़ की तरफ दावत दे रहे हैं, गुनाहों की तरफ ही देते हैं ना। रेपिस्ट आप उठा लें, आप ये जो स्टैबिंग के इंसिडेंट्स होते हैं, आप बड़ी रिसर्च हुई थी, अक्सर लोग बिला वजह समझ नहीं आ रही क्यों स्टैबिंग शुरू होगी एक ज़माने में, तो वो उस टाइम उन्होंने देखा उस इलाके में जो रैप म्यूज़िक चल रहा था ना उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र था स्टैबिंग का, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली हम आप जो चीज़ सुन रहे हैं ना, हम अक्सर बात करते हैं यार जो हम सुनते हैं देखते हैं उसका हमारे पर असर है, तो हम अगर म्यूजिक का तो बहुत पावरफुल चीज़ है ना, वो तो उसके राइमिंग और उसके लिरिक्स आपको ऊपर बड़ा गहरा असर करते हैं। तो हम जिस किस्म का भी लिरिक्स सुन रहे हैं उसका असर हो रहा है, तो अगर हमारे बच्चे ये बैठ के इनको सुन रहे हैं जिसके अंदर अजीब डेविल वर्शिपिंग भी है, अगर ये नहीं है तो वैसी फजूल किस्म की फोहश किस्म की चीज़, न्यूडिटी को प्रमोट करना, इवन औरतों को बहुत गंदे तरीके से उनको ना ऑब्जेक्टिफाई करना और उनको हकीर तरीके से बताना, तो लड़कों की नजरों में जहनों में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, दे डोंट सी वुमेन एज ह्यूमन। तो अब वो डेविल वर्शिप की तरफ अगर नहीं भी जा रहा, दिस इज जस्ट वन स्टेप टुवर्ड्स दैट, कि गुनाहों की तरफ तो आ रहा ना, डेविल का शैतान का मकसद ये है कि हर बंदे को अल्लाह से जितना दूर
उधर से और अपने जितना करीब, दैट्स वो चोटी तो ये ना कि वो उसके वर्ष पर बन जाए, बट वो देयर इज अ प्रोसेस टू इट, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय. एक अल्लाह का बंदा भी जो हमने सबने शीशा वाली स्टोरी मल्टीपल टाइम जिक्र की है, वो एक आबिद को ले गया अपने अपने तक सजदा करवा दिया. इट्स अ जर्नी. वही करा सजदा करवाया अपने लिए. उसको पता है कि इसके बाद माफी नहीं है. बिल्कुल. जी बताएं कि ये जो सोसाइटी में वो जो आजकल गोट का साइन काफी ज्यादा कॉमन हुआ है, गाड़ियों के पीछे भी जगह जगह हुआ है गोट हेड और हॉर्न्स हैं उसके. इज इट समथिंग रिलेटेड टू यार शेख? वैसे ना वैसे तो ये जो मारखोर है ना, मारखोर ये हमारे आर्मी का एसआई का एक वो है, तो मैं सबको तो ये नहीं कहूंगा कि उनको और लोग आर्मी से मोहब्बत के लिए या वैसे मारखोर का वो लगाते हैं, लेकिन मैं बताऊं अक्सर जो सैटनिस्ट हैं और डेविल वर्शिपर्स हैं वो ये बैफोमेथ जो है ना, गोट शेप जो है इसकी वही सींग है और सब कुछ है. मुझे तो बहुत सिमिलैरिटी लगती है. मुझे भी एग्जैक्ट सेम हेड, वही एंगल, वही हॉर्न्स. लोग मैं नहीं कह रहा लोग सैटनिस्ट बन गए पाकिस्तान, लोग तो नहीं बन रहे, लोगों को नहीं पता. लोग प्यार मोहब्बत में और आर्मी के आई एस आई के उस पर लोगों में और हमारा एक जो मारखोर हमारा नेशनल एनिमल भी है, ठीक है, तो उसमें लगाते हैं. बट दे डोंट नो क्योंकि कबाला मैजिक इज बेस्ड ऑन साइंस, इज बेस्ड ऑन साइंस. तो ये जो है, ये जो साइन है, ये बेसिकली कोई पिक्चर लेके अपलोड ना कर देगा तो अभी इज आल्सो वन ऑफ द तो वो ना इवन यू ये वाला भी यू नो ये आप कर रहे हैं आपकी किसी ने प्रोविडेंस इसको ना इस वीडियो को ऊपर किसी को ना बनाने देना कोई यहां से नहीं. सो ये जो है ना ये बेसिकली साइंस ऐसे है. इवन जो स्टार ऑफ डेविड है आप देखें अक्सर सैटनिस्ट अभी गूगल कर अभी अभी इंस्टाग्राम पे लिखें द चर्च ऑफ सैटन या सैटन वर्शिप, आपको जितने भी वेरीफाइड लिंक्स ऑफ सैटन वर्शिपर्स मिलेंगे ना अभी गुल करें और उनका अक्सर साइनिस स्टार ऑफ डेविड होगा. ये तो असल में कबाला मैजिक कबाला, और ये जो बेसिकली इजराइल का आप साइन देख लें, इजराइल के फ्लैग पे देख लें स्टार ऑफ डेविड. इवन वो जो मेक्सिको वाले जो है ना, मेक्सिको द लैंड ऑफ सॉर्सरर्स, हां जी हां जी, वो जो डॉक्यूमेंट्री है यस, उसमें भी वो सारा दिखाया गया जो मैजिक करते हैं वो स्टार ऑफ डेविड में आग लगा के साइन बना के उस बीच में खड़े होके उसको भी बैफमेट सामने है जो कार में जो है उसको कह गया कि माय लॉर्ड आई एम सैक्रिफाइसिंग दिस एनिमल मुर्गा को लेके उनके अजान देते हैं ना फिश्ते को देखता है, ठीक है, तो एक होली उसको ज़िबा करते हैं और उसको अपने मुंह पे लगा रहा है, उसको अपने जबान पे लगा रहा है और कह रहा है कि मैं आपके सैक्रिफाइस कर रहा हूँ और फिर उसको ना यानी खाना ये सब चल रहा है. इतना इतना गंद है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. और ये जो साइन है ये उस फ्री मेसनरी से भी है और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली ये जो आपने कहा इसराइल का भी है. जूज इस चीज में अक्सर हम लोग कहते थे जूज रन इन द शो हैं थोड़े से, लेकिन वो यही है ना, इसराइल बेसिकली हाई ज़ायनिस्ट कंट्री है, ठीक है. और दूसरी बात यह है कि दे रन ऑन मैजिक. जी ये जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट जो हमने आज पा ली है ये मैजिक के बगैर इतनी मुमकिन नहीं थी. ऐसे ही ठीक है. ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख हमजा यूसुफ और मुख्तलिफ और जो है ना वो जितने शेख पुराने साइंटिस्ट गुजरे हैं जो आप कह लीजिए फाउंडर्स ऑफ वेस्टर्न साइंस हैं, दे वर अकल्टिस्ट. ये तो रिकॉर्ड पे बात जो है वो मौजूद है. अच्छा ये चूंकि सेटनिज्म टॉपिक है तो टेक्निकली मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह आपके सामने दो स्कूल्स ऑफ थॉट सेटनिस्ट के रखता हूँ. एक थियस्टिक सेटनिस्ट है. थियस्टिक सेटनिस्ट जो है वो सेटन को बकायदा एक फिजिकल एंटिटी और डाइटी तस्लीम करते हैं उसकी एग्जिस्टेंस को, एंड दे बिलीव के ही इज़ गॉड ऑन अर्थ, और वो बकायदा फिर उसकी इबादत भी करते हैं और उससे मदद भी मांगते हैं जैसे आपने वो डॉक्यूमेंट्री कोट की. दूसरे एथेइस्टिक सेटनिस्ट. एथेइस्टिक सेटनिस्ट एज द नेम सजेस्ट कि वो एथियस्ट हैं और उसमें एंटन लेवी बहुत मशहूर जो चर्च ऑफ जी चर्च ऑफ सेटन का जो बानी है और मजे की बात कि ही इज़ द वन जिससे सेक्सुअल रेवोल्यूशन का नारा उठा था वेस्ट में, यानी ये जो आज हम देख रहे हैं एलजीबीटी की और डिज़ायर कहीं से पूरी कर लो, वो एक्चुअली उसकी बात करने वाला वो था 1960s में पहली बार. तो ये जो एथिस्टिक सेटनिस्ट हैं ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि सेटन कोई फिजिकल बींग नहीं है लेकिन ये इंसान के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वी शुड ऑल बी सेटन इन द सेंस के वी शुड ऑल बी गॉड. गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, हम खुद गॉड हैं. और हम खुद गॉड ऐसे बन सकते हैं कि जितना हम अपनी डिजायर्स पे अमल करेंगे, अपनी विल पे अमल करते जाएंगे, हम गॉड बनते जाएंगे और हमें कोई भी ना रोके. डू एज दो विल, बहुत मशहूर जो है इनका नारा भी है. और इंटरेस्टिंग बात जी जी एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग बात के कई इनकी एल्बम्स अगर आप देखें ना इनके टूर्स इंटरनेशनल टूर्स वो आईएम के नाम से हैं. आईएम के नाम से यानी ये जो बियॉन्से हो गई और बाकी
आई एम जो है बेसिकली इसको थोड़ा सा अगर हम रिसर्च करेंगे ना तो दिस इज दैट कॉन्सेप्ट कि मैं सब कुछ हूँ एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट एंगल के जो एथिस्टिक सेटनिस का कॉन्सेप्ट है. तो बहरहाल एथिस्टिक सेटनिस में मैं थोड़ा सा और भी आपको बताता हूँ कि इसमें एक कैरेक्टर जो है वो पुराना कैरेक्टर अगर हम देखें तो दैट वॉज एलिस्टर क्राउले एंड ही इज नोन एज द मोस्ट ईवल पर्सन. उस टाइम पर उसे ईवल मोस्ट ईवल पर्सन कहा गया और उसके बड़े कोट्स हैं. उसने मोरालिटी पे बात की तो उसने कहा कि ये मोरालिटी इंसानों की घड़ी हुई है और हमें सबको जो है वो अपनी कार्नल डिज़ायर्स को बाहर लाना चाहिए और उन पे जो है वो अमल करना चाहिए. तो आज मुझे ये लगता है कि शायद थीस्टिक सेटनिज्म वो कम है लेकिन ये जो एथिस्टिक सेटनिज्म देखें दोनों में शैतान का जो है वो पर्पसफुल हो रहा है और वो सेटन को एज ए सिंबल आगे पेश कर रहे हैं और इसी का हिस्सा जो है ना इंशाल्लाह ये डिटेल में मैं आगे बात करूंगा वो ट्रांस ह्यूमनिज्म है. वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके बताऊंगा कि ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या मूवमेंट है और क्या इस वक्त वो कर रहे हैं. बेसिकली चलें थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते हैं. ट्रांस ह्यूमनिज्म इज़ बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन एवोल्यूशन और ये हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग एक बनाना चाहते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी मर्ज हो जाए आपस में. वो कहते हैं ना कि आपकी मेमोरी जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी और आपकी जो है वो थिंकिंग एबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी. आपके अंदर हम एक चिप इंसर्ट करेंगे. इवन यहाँ तक बात करते हैं कि इमोर्टैलिटी आप रीच कर लेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू या न्यूरो फार्माकोलॉजी के थ्रू वगैरह वगैरह जो भी इनकी जो है ना वो साइंस. बिल्कुल. और इसका जो बानी है आप सुन के हैरान रह जाएंगे. इसके बानी का नाम है जूलियन हक्सले. टॉप यूजेनिस्ट है एंड ही इज द ग्रैंडसन ऑफ थॉमस हेनरी हक्सले द फेमस फ्रीमेसन एंड इल्यूमिनाटी मेंबर. तो देखिए कि कनेक्शन सेम है. आप इन सब के शजरा नसब निकालेंगे तो आपको कनेक्शन वहीं से जाके मिलेगा अकल्टिस्ट से फ्रीमेसन से. तो इसलिए हम कहते हैं कि शायद चलो कॉन्स्पिरेसी है लेकिन कुरान में भी जिक्र. तो फिर आप कुरान का कैसे इनकार कर सकते हो कि शैतान इज रियल और वो कर तो रहा है. यूएन का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर जो है जी. ऑस्कर 1999 तक एक बड़ी बिल्डिंग में होता है जिसको बोलते हैं द श्राइन. और वो बिल्डिंग जो है ना डिजाइन और बनाई और ओन दो स्कॉटिश मर्द करते थे जो फ्री मेसन थे. ठीक है. और उसमें जो सारा डिजाइन किया गया है वो सिटी ऑफ बेबीलोन को वो किया गया है इमेज. और क्योंकि सिटी ऑफ बेबीलोन इज द प्लेस वेयर ऑल द मैजिक एग्जिस्टेड. कुरान में भी आता है कि ठीक है वो मैं काफर सुलेमान वाले कहना शायद ना काफर हूँ. तो सारा जो शिर्क की जो जड़ है ना बेबीलोन से. और आप आज कर लें हम आपको चलें वीडियो भी दिखा देते हैं इसमें. ठीक है आप देख लें कि जिसमें यू विल सी कि जिसमें पीपल आर थैंकिंग द गॉड्स ऑफ बेबीलोन. ठीक है. एक खातून आई उसने कहा कि आई डोंट नो नेमर के आई हैव दिस अवार्ड हैज नथिंग टू डू विद जीसस. यानी वो यानी गॉड के रिलीजन कॉन्सेप्ट को और हम जीसस को डिनाई करते हैं कि यानी खुदा नहीं थे वो नबी थे. ये कि दिस अवार्ड हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद जीसस. दिस अवार्ड इज माय गॉड. और वो जो गॉड है ना वो जो वो बेसिकली बेबीलोन सिटी में अगर आप जाएं तो वो एक पैथ के नाम से एक गॉड है जो जिसको उसने ऑस्कर ने मिमिक किया हुआ है. जो अवार्ड है जो फिजिकल अवार्ड है ना वो उसकी शक्ल में और उसको वो दिखाया गया कि बेसिकली वो सारा. और यानी यू जस्ट मेक द कनेक्शंस एंड इट्स सिंपल एंड इजी कि किस तरह से वो लोग किसी भी रिलीजन को रिनाउंस करते हैं और सेल्फ प्लेजर को सेल्फ एंटरटेनमेंट को फ्रीडम को कि हर बंदे के पास फ्रीडम होना चाहिए. चाहे कोई शख्स बच्चों को कत्ल करना चाह रहा है चाहे बच्चों को रेप करना चाह रहा है. इवन सुभानअल्लाह मैं एक और आपको थोड़ी सी ना इसमें बताऊं. एक ड्रग है जिसको आप द बिलियनेयर्स ड्रग बोलते हो एड्रेनोक्रोम. आप अभी गूगल कर लें और मैं आपको ना इस पर आर्टिकल भी मतलब उसमें आपको वेबसाइट भी दिखा देते हैं. एड्रेनोक्रोम ये कहाँ कैसे लिया जाता है और कहाँ से लिया जाता है. ये बेसिकली इंसान की बॉडी में डेवलप होता है आउट ऑफ फियर आउट ऑफ एंजाइटी टॉर्चर करने के बाद इंसान को. तो इंसान जब बड़ा होता है तो उसको तो वो इतनी इजीली नहीं होता. तो ये लोग बच्चों को यानी जो सैटनिस्ट कल्ट है ठीक है और इनके परचेजर्स कौन है उस बिलियनेयर्स ड्रग के बड़े बड़े एलीट्स हैं. बड़े बड़े एलीट्स हैं ठीक है. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ ना तो आप कहेंगे ये तो ये इतने यानी ये लोग जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं ठीक है वो क्या करते हैं. वीडियो भी हम दिखा देंगे. बच्चों को लिया उनको रेप किया छोटे बच्चों को इन्फेंट्स को ठीक है. इवन 3-4 साल 5 साल के उनको टॉर्चर किया उनको कट्स लगाए उनको डराया धमकाया उनके साथ सोडोमी की यानी बैक साइड से उनको किया
और ये करने के बाद उनको जो जो उनका पीनल ग्लैंड है उसमें सिरिंज डाल के उससे ब्लड एक्सट्रैक्ट किया और उसमें ये जो मटेरियल है ये ड्रग है ये निकलता है. क्यों? क्योंकि जब इंसान फियर या उसमें होता है ना उसमें एड्रेनलिन बहुत पैदा होता है, रश होता है. और बच्चों में क्यों? क्योंकि उनमें ना बड़ा मिनिमल कैल्सिफाइड फ्लोराइड होता है जो जो पाया जाता है मेनली वाटर में, और जो बाकी फूड्स में जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो कम से कम पाए जाते हैं बच्चों में. एंड दैट्स द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एड्रेनोक्रोम. वो क्यों लेते हैं? एंटी एजिंग करता है वो, ठीक है. वो आप में आपको यूफोरिया देता है, आपको अलर्ट रखता है, आपके थॉट्स को चैनलाइज करता है. ड्रग है, नशा है ना, जैसे लोग चर्स पी के और एलएसडी करके पढ़ते हैं ऐसा वो करते हैं, तो ये नशा है. और ये इतना एक्सपेंसिव, इसका एक एक ग्राम शेख मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये अली एक्सप्रेस में मिलता था ये. अच्छा अच्छा. अभी उन्होंने रिमूव कर दिया ये अली, अब हमारे स्क्रीन शॉट्स हैं, अली एक्सप्रेस में मिलता था ये. बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इवन जो कॉटनी कॉक्स है जो जो फीमेल वो थी, जब उसको पेंडेमिक में कोविड में नहीं मिला, उसकी पहले शक्ल देखिए उसकी बाद शक्ल देखिए, शी बिकेम एन ओल्ड लेडी. और ये महंगा होता होगा बड़ा, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव. और उसकी आप इमेज देखें पहले की और बाद की, बिकॉज ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स कितने शदीद आए. और उसके विड्रॉल में पता क्या है? शिज़ोफ्रेनिया हो जाता है इंसान को, हेलुसिनेशंस होती हैं, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, और इंसान पागल होने शुरू हो जाता है. सैटन वर्शिपर्स, और इसको बच्चों को रिपोर्ट्स देख लें आप, जी जी, जितने अमाउंट ऑफ ट्रंप की ट्वीट्स देख लें आप कि बच्चे इतने अमाउंट पे किडनैप क्यों हो रहे हैं भाई. चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इसको बोलते हैं, ह्यूमन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग. ले जाके बच्चों के साथ गुनाह करना, ठीक है. और जो मैंने बैलेंसियागा का बताया ना, उसके आर्टिस्ट का बताया मेनली, उसके मैं डेप्थ नहीं जा सकता, बहुत गंदा है, कुछ इमेजेस भी हैं बच्चों के ऐसे सेक्स टॉयज बनाए हुए हैं. यानी जो लोग पीडोफाइल में ना बोले तो बेला बच्चे के नाक पे ना उन्होंने एक प्राइवेट पार्ट बनाया हुआ है कि लोग उसको ना यूज करें और बच्चे जिसम बच्चे के साथ वो करें, पीडोफीलिया को प्रमोट करना. अच्छा, फिर ये के यानी कैनिबलिज्म, ये लोग कैनिबलिज्म, ये बच्चों को, हाँ वीडियोज देख लें, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, आप सब डाल देना, कि बच्चों को दिखाना कि बच्चों को मारा जा रहा है, एंड दे फील प्लेजर. उनका जो फैटिश है ना वो बच्चों के उसमें है, बच्चों को काटा जा रहा है, बच्चों को बंद किया. और एक बैलेंस किया गया, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इसको प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, और ये करें. और फिर वो जो ये किया जाता है और बच्चे के साथ, यानी मैं वीडियो भी इसमें दिखा दूंगा कि बच्चों को, वो एक वीडियो लीक हो गई जिसमें बच्चों को शॉपर्स ने बंद करके फेंका हुआ है, ठीक है. और एक नई सीरियन लड़की, शेख सीरियन बच्ची को उसको लाया जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, और उसको जो है ना लेटा जा रहा है, या से ऑर्गन्स काटे जाने लगे हैं, या फिर उसको उसके यहाँ से ना वो निकाला जा रहा है ब्लड, और उसे वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं इसको यूज कर सकें. सो दिस इज बेसिकली सैटन वर्शिपिंग. मैंने अभी आपको ना सिर्फ 5% इस पूरी थ्योरी का बताया, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास वो सारे इमेजेस जो है ना वो अगर हम दिखा देना तो लोग कहेंगे इस दुनिया में हो रहा है. और ये जो अगर हम पता चल जाए ना कि ये जो सैटनिस्ट्स हैं और ये जो इस दुनिया में जितना गंद है, ये अल्लाह ताला ना पता नहीं बस अल्लाह ताला कितना यानी वो ना वो लोगों को डील दे रहे हैं, और क्यामत के दिन इसीलिए कि इतना फिल्थ हो रहा है ना इस दुनिया में, लोगों अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों के लिए बनाई है ना, राइटफुली सो, यू नो. और लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, एक कॉमन बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? शेख यही मैं कहने लगा था कि ये चीज़ें तो हमें मोटिवेट करनी चाहिए कि द नीड फॉर इस्लाम, द नीड फॉर कुरान और गेटिंग बैक टू अल्लाह सुभान व तआला, क्योंकि ये तो क्रिएचर्स तबाह कर देंगे इंसानों. वो तो वहाँ कसम खा के आया था कि मैं तो तबाह कर दूंगा, और वो उस डगर पे लगा हुआ है. तो आई थिंक कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह सुभान व तआला के दीन पे अमल करें और लोगों को भी अल्लाह का तारुफ करें. वी शुड स्टार्ट ओनिंग आवर दीन. यस यस Absolutely. हर चीज का सलूशन दीन पे अमल करना. वेस्ट में जो हो गया है ना, जो वेस्ट में करंटली आज 2023 में चल रहा है, खुदा की कसम अगर हमें उसका ग्लिम्प्स मिल जाए ना कि उनका फैमिली सिस्टम कैसा है, उनके माँ बाप, उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, और उनके लोगों के चैलेंजेस कितने बुरे हैं, और वो किस किस से गुजर रहे हैं. लोगों के इंटरव्यूज देख लें, वो एक शख्स कैमरे के पीछे बैठा होता है, वो इंटरव्यूज लेता है और वो बताता है कि उस उन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है. यानी वो कोई वो ऐसे लोग नहीं है कि जो सैटनिस्ट हैं, ये वो हैं नॉर्मल लोग हैं, लेकिन उनका चाइल्डहुड बाप मोलेस्ट कर रहा है बच्चों को, बिल्कुल पॉर्न देख देख के, ठीक है. माँ अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके आ रही है. जो लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म
हमारे यहाँ तो लिबरलिज्म क्या है कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, मुझे जो करना है करने दो, मुझे लिबास पहन दो, देखो मैं ऐसे बैठ गई, ये है ना. और लिबरलिज्म का फ्यूचर वहाँ पे है जी, वो उनका उनका उनके चैलेंजेस ये नहीं है. उनके चैलेंजेस क्या है कि माँ कहती है मेरा जब बॉयफ्रेंड आता है घर पे तो मेरी बेटी साथ में सो रहा है वो. बेटी कहती है माँ जी आपका बॉयफ्रेंड आता है, मुझे क्यों देख रहा है आपका बॉयफ्रेंड, क्यों ताड़ रहा है. और मेरा जो बॉयफ्रेंड आता है वो आपको, आप उससे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपके साथ क्यों आ जा रहा है. ये मसाइल अगर हमने आज इस चीज को ना रोका, ये सब वो जो है ना, देखें जब आपकी ना कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, लिबरलिज्म की बाउंड्रीज कोई नहीं, तो ये किसी फैमिली में ये मसला किसी में होगा. कोई कहेगा नहीं मेरा बॉयफ्रेंड जिस मर्जी के साथ, मतलब ऐसे है वो, एक था कि एक बंदी कहती मेरा ये हस्बैंड है बट आई लेट हिम स्लीप विद माय मदर एंड माय सिस्टर, इट्स ओके. मैंने उनके तो ये मसला मेंटल इतनी ज्यादा वो एक साइकोनेस पे बंदा पहुंच जाता है कि देन यू डोंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग एनी मोर. जो दिल किया, जो जिसकी जो फैंटेसी है, कोई उसकी लिमिट नहीं है कि क्या वो गलत सही किस मायार पे उसने आपने चेक करना है. एक खातून का इंटरव्यू था, उसको उसके पूरे जिस्म में नील पड़े हुए थे, उसको आदत थी कि मुझे मारा जाए. फेटिश था, फेटिश था उसका ये मार मार के. एक था जो है पाँव देखे, यानी इतना पॉर्न में फिल्म में चले जाना कि पाँव से अट्रैक्ट होना, बिल्कुल ऐसे. और उनको हजारों हो गए ना, मेरे मुंह में पाँव डालो. शेख मैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी कोर्स पढ़ा, इसमें मास्टर जो मैं कर रहा हूँ उसमें DSM-5 में सारे डिसऑर्डर्स हैं बिल्कुल. और वो आप पढ़ने लग जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है. और ये वेस्ट में सबसे ज्यादा उधर ही है. अच्छा मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि डू यू थिंक जो डार्क वेब है ये भी सेटनिस्ट रन कर रहे हैं एंड द पॉर्न इंडस्ट्री एज वेल, क्योंकि इसमें बड़ी अजीबोगरीब चीजें स्टूडेंट्स बताते हैं डार्क वेब पे. और लेकिन थोड़ी सी क्लासिफाइड टर्म है जो उसकी पूजा कर रहे होते हैं. अल्टीमेटली इवन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इतनी वर्स है, पूरी दुनिया बात करी फेमिनिज्म की, ठीक है. सबसे बड़ा जो औरतों से ज्यादती हो रही है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है कि उनको अच्छे रोजी गार्डन्स दिखा के कि तुम प्लेबॉय मेंशंस में रहोगी, तुम यहाँ रहोगी वहाँ रहोगी. और वो जो एजेंट है, एजेंट पॉर्न इंडस्ट्री और खातिन में एजेंट्स होते हैं बीच में, ठीक है, वो उसको ले जाता है और उससे वो काम करवाता है. उन खवातीन ने इंटरव्यू दिए हुए हैं कि हम अंदर से मर रहे होते थे बट हमें एक्ट करना पड़ता था कि हम बड़े खुश हैं. और ये जो जो लोग देखते हैं ना, दे शुड नो कि अंदर से खवातीन मर रही होती हैं. और उसने तो ये भी कहा कि मुझे ही मेड मी ड्रिंक हिज यूरिन. और कहती है मैं नहीं चाहती थी बट पीयर प्रेशर इतना था, मैं इतने लाइफ स्टाइल में होती, मेरा फैमिली असल काम शैतान का, पता है कि फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब करना. और आपको पता है ये एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, उस पर इल्ज़ाम लगा, एलिज किया है लोगों ने कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते और प्रूव हो गया बिल्कुल. और जो मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड है उन्होंने बैन कर दिया उस वेबसाइट को कि ये तो इन्वॉल्व है बकायदा चाइल्ड ट्रैफिक में और ये तो छोटी चीज़ है. यहाँ तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं कि वो क्या करते हैं कि ज़ाहिर है पॉन में वो अमल करके फिर वो हमला करते हैं उन्हें और उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको कत्ल करते हैं. यहाँ तक जो है वो दलाइल मौजूद हैं. तो ये भी सेम वही बातें हैं जो आप कर रहे थे कि बच्चे का कत्ल करना, खून. और इनमें से मैं जो ये अक्सर जो आप केसेस देखते हैं ना, जो लोग इस हद तक पहुँचते हैं उनका चाइल्डहुड डिस्टर्ब होता है, उनकी फैमिली लाइफ, उनके माँ बाप. और देखिए ना वो हदीस में क्या आता है, जो शैतान है ना इब्लीस जब तख्त लगाता है तो कहता है हाँ जी तू बता तूने क्या किया, मैंने जिना करवा दिया, कुछ नहीं किया तूने, तूने क्या किया, सिरा पिलवा दी, तूने चोरी कर दी. जिसने कहते ना मैंने माँ बाप के बीच में, मैंने हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक करवा दी, पुत्र तू इधर, तू जो है ना जड़ा है, ठीक है मेरे साथ बैठ. क्योंकि जब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है ना, इंसान की वैल्यूज ख़त्म हो जाती हैं, इंसान फिर वहाँ से भागता है. और उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फिर पैसा रब बन जाता है उसके लिए, फिर वो कुछ भी करता है पैसे के लिए. और जो अभी इनके बाद ये ओनली फैंस वाला जो है इसको भी, तो वो जो है उस पर पीपल do crazy stuff to get money. Yes. और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपको इतने $1,000 देंगे, $50,000 या कुछ $5,000 कि आप ये काम करें. एंड पीपल डू इट, चाहे उनको जो मर्जी करना पड़े, यानी अपना फिल्थ उनको खाना पड़े, गंदा
यानी एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जो एनिमल सोसाइटी है, जैसे जानवर जंगल में रह रहे हैं ना, उससे बुरी ब्रो, उससे भी बुरी। आपको जानवर के तो फिर कुछ उसूल हो, कम्युनिटी है, फैमिली, कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, कैनिबलिज्म को आप सिर्फ विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च कर लें, उसमें ऐसा शो किया गया है कि एक एनिमलिस्टिक ट्रेट है जो कि सदियों से एनिमल से पाया जाता है और ह्यूमंस भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, सो इट्स यानी इट इज बीइंग पोर्ट्रेड एज नथिंग रॉन्ग और सीरियस। अच्छा, देखिए असल में घूम फिर के बात हो जाती है कि जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, हमें जिससे आई थिंक जो सबसे ज़्यादा अवेयर होना चाहिए वो ये है कि जितने अटैक्स हैं घूम फिर के फैमिली सिस्टम पे हैं। और बल्कि इंटरेस्टिंग आपने हदीस बताई जिसमें शैतान मतलब वो मतलब हराम बड़े बड़े कबीरा गुनाहों पे किसी को शाबाश नहीं दे रहा, और डिवोर्स तो कोई हराम काम नहीं है, उस पे अलहदगी पे वो शाबाश दे रहा है, उसको पता है कि यार अगर ये मैं फैमिली सिस्टम तोड़ दिया ना तो हमने रिसर्चेस क्लियर है कि सिंगल पेरेंट्स या विदाउट पेरेंट्स जो बच्चे पैदा हो, जितने क्रिमिनल्स हैं ना, आप रेपिस्ट उठा लें, ये मैस मर्डर उठा लें, इनमें से कोई एक भी नहीं है जो कि सही दो मतलब एक नॉर्मल हेटरोसेक्सुअल हेल्दी फैमिली से, कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल, कोई एक ऐसा, हर किसी का या सिंगल या अब्यूज हुआ है बचपन में, ये सारे कॉमन केसेस हैं। तो अगर एक सोसाइटी ऐसी बना दी जाए जहाँ फैमिली सिस्टम तबाह है या सिंगल पेरेंट है या अब्यूज है, तो शैतान ना पीछे बैठ जाएगा और सोसाइटी अपने आप तबाही कर जाएगी। एक फैमिली बेसिक बिल्डिंग यूनिट आपने तबाह कर दिया सोसाइटी का, अब सोसाइटी रही कुछ नहीं। इन सब मूवमेंट्स की वजह से ना, इन सब मूवमेंट्स की वजह से डाइवोर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आपको पता है अरब वर्ल्ड में डाइवोर्स इतनी ज्यादा हो गई है। अभी लास्ट टाइम जो मेरा विजिट था मक्का से थोड़ा सा बाहर निकल के, एक पूरी बिल्डिंग उन्होंने स्पेशल इसी मकसद के लिए बनी हुई है कि जो डाइवोर्स के केसेस आते हैं, द होल बिल्डिंग इज अबाउट दैट। मतलब एक होता है ना कि केसेस डिपार्टमेंट है जो बहुत सारी चीजों को डील करता है, सिर्फ केसेस को डील कर रहे हैं, वो सिर्फ डाइवोर्स को डील कर रहे हैं। इट वाज अ बिग बिल्डिंग, और देखिए ना जो ओल्ड एज फॉस्टर होम्स थे, वो हमारा पाकिस्तान का कभी कॉन्सेप्ट नहीं था, बाहर थे, अब यहाँ बनते आ रहे हैं, हमने विजिट्स किए हैं जो ये डाइवोर्स सेंटर्स हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि वेस्ट को तकलीफ पता क्या है शेख, मैं बताऊँ आपको, वेस्ट के सामने इस सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सामने फैशिज्म तबाह हो गया, कम्युनिज्म तबाह हो गया, सोशलिज्म तबाह हो गया, बट अभी अगर कुछ लोग खड़े हैं ना तो वो अहद अहद कहने वाले लोग खड़े हुए हैं, मुस्लिम खड़े हैं, जैसे बिलाल खड़े थे ना सामने और मुसब बिन उमैर खड़े थे, मुस्लिम अभी खड़े हैं। उनको तकलीफ ये है कि बड़े बड़े सोसाइटीज़, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स अपने हमने खरीद लिए और उनकी मतलब उनकी वो एलजीबीटी को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, बट ये गरीब नंगे भूखे मुसलमान ये मुस्लिम वर्ल्ड क्यों नहीं एलजीबीटी को एक्सेप्ट कर रही, कि मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे, उनको तकलीफ इस बात की है, बट हमने ये मेक श्योर करना है कि अगर हम अपनी फैमिलीज को, और उनका टारगेट शायद हम नहीं है, हमारे आने वाली नस्लें हैं, कि उनको तबाह करें, और इसलिए वो यानी स्पाइडरमैन को भी ये कह रहे हैं, इसलिए वो नई नई बुक्स में, कार्टून्स में, और डिज्नी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अब डिज्नी हम कहते हैं डिज्नी, वी हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डिज्नी, बट अब डिज्नी इनको पढ़ लेना, ये उसी कार्ड का हिस्सा है। दे आर ऑलरेडी ऑन आवर वे, आप देखें पाकिस्तान की इकॉनमी उन्होंने फारिग कर दी, यू नो, बिल्कुल। एंड आई थिंक इसको किसी भी ऐसी चीज़ को ना इनकलकेट करने के लिए किसी भी नेशन में, आप उसकी इकोनॉमी तबाह कर दें, उनको मांगने वाला बना दें, तो ऑलरेडी हम मांगने वाले थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना, देखिए एक कौम पे ना तीन तरह के टाइम आते हैं, क्विकली बताता हूँ मैं आपको। एक वो टाइम जिसे मुसीबतें ज्यादा हैं और आसानियां कम हैं, एक वो टाइम जिसे मुसीबतें और आसानियां बराबर हैं, एक वो टाइम जिसमें आसानियां हैं ज्यादा और मुसीबतें कम हैं। मक्का का जो दौर था उसमें मुसीबतें ज्यादा थी और आसानियां कम थी, कि शबीब तालिब में उनको बॉयकॉट हो रहा है, चमड़ा खाना पड़ रहा है, पत्ते खाने पड़ रहे हैं, ठीक है, हालांकि मेरी करीब वाले रिलेटिव्स भी फौत हो रहे हैं। उस टाइम उन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना हिजरत की। तो इन टाइम्स में हमेशा हिजरत की जरूरत होती है। आज जिस टाइम से पाकिस्तान गुजरा है ना, डिफॉल्ट के करीब खड़ा हुआ है और इन्फ्लेशन इतनी हाई है और हमारे पे अटैक है, हमने यहाँ से कहीं जाना तो नहीं है हिजरत करके, हमें इंटेलेक्चुअल हिजरत की जरूरत है। हालांकि लोग फिजिकल हिजरत कर रहे हैं, लैंड्स ऑफ कुफार, हमें इंटेलेक्चुअल जाके बच जाएंगे, निकलना चाह रहे, क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल हिजरत जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने 1947 में हमने पॉलिटिकल स्लेवरी से तो आजाद हो गए, बट हम मेंटल स्लेवरी से आज तक आजाद नहीं हुए। तो हमें इंटेलेक्चुअल हिजरत करनी और पढ़ना है दीन को। जैसे आपने कहा ना हमें क्या करने की जरूरत है, मैं तो वन वर्ड, ईमान। हमें ईमान वाले लोग चाहिए, हमें ज्यादा मोटिवेटिंग स्पीकर्स नहीं चाहिए, हमें ज्यादा दुआत नहीं चाहिए, हमें ईमान वाले लोग और किरदार वाले लोग चाहिए, बस खत्म। अमेजिंग, माशाल्लाह, अमेजिंग। एक बड़ी शॉकिंग बात आपको बताता हूँ कि
मूवीज़ टीवी सीरीज़ एंड गेमिंग इंडस्ट्री, बल्कि इनफैक्ट जो गेमिंग इंडस्ट्री के अलावा मैंने कुछ लिखा था, हाँ जी, एनिमेस, इवन जो एनिमे इंडस्ट्री है जो हमारे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसमें ना आप नोट करेंगे कि ओवर द लास्ट 15 to 20 ईयर पेगनिज्म पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ बन रही, पेगन गॉड्स के ऊपर, जैसे ग्रीक गॉड्स हैं, सो कॉल्ड गॉड्स, इसी तरह जापानीज़ के जो पेगन गॉड्स, मतलब जो जिनको वर्शिप करते हैं, जैसे सन गॉड, बहुत फेमस ये थ्रू आउट हिस्ट्री सन गॉड का एक कॉन्सेप्ट रहा है, आपने इब्लीस वाली हदीस भी कोट की, तो एनिमेज में सन गॉड को बहुत ज़्यादा रेफर किया जाता है। और फिर आप देखें कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओवर द लास्ट 15-20 ईयर जो थीम्स हैं ना वो डार्क और डार्क होती जा रही, डार्क से डार्क, गेमिंग की भी, टीवी सीरीज और मूवीज की भी, अकल्ट्स पे बहुत टीवी सीरीज बन रही, सेटनिज्म पे बन रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे अब वो चीज़ें जो है ना वो बना रहे। और फिर गेमिंग की अगर बात की जाए, उसमें कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं डिमोनिक कैरेक्टर जिनके नाम होते हैं, बाकायदा बच्चों को बाकायदा सिखाया जा रहा है कि इनके नाम क्या हैं और इनके औसाफ क्या हैं इन कैरेक्टर्स। हम भी बचपन से ब्लाइम मारते आ रहे हैं गेमों में। अब तो बलाओं से काम बहुत आगे चला गया, मतलब तो वो सिर्फ इंसान बलाओं को मारते थे, अब आप बलाओ बन के ना इंसान, अब कैरेक्टर उल्टे हो गए ऐसे ही, आप वो गेमिंग में चीजों में जो ग्रीक गॉड्स पुटे सीधे जो भी है सारे ये खुद बन जाते हैं ऐसे ही। और आप, मैं बड़े, मुझे तो खैर पता ही नहीं था, मैं लाहौर शादी में था, अब मेरी खैर दाढ़ी थी या जो भी था उस टाइम मैं था, तो एक बच्चा है मुझे कहता है he looks like, ना पता नहीं क्या नाम है, मैं कहूँ ये क्या है, दूसरा वो कहता है यस यस, दो तीन बच्चे आ रहे हैं, मैं कहूँ कौन है भाई, मेरे को क्या बोल क्या रहे, मुझे समझ नहीं आया, वो किसी ग्रीक गॉड का नाम ले रहे हैं और वो आके मैंने कहा कौन है यार ये, फिर वो गया एक फोन लेकर, फोन पे आके शक्ल लेके उसकी दाढ़ी वाली कम बाल तो वो कहते ये, और फिर उसने क्या कहते, मैंने कहा जी कौन है, मैंने थोड़ी देर से पूछा, कहता है ये है और उसकी कुछ अजीबोगरीब पावर्स बताई, मतलब जैसे कहता है ना जो अल्लाह ताला की सिफात है वो लिटरली उसने बताई कि ये कर्ष कर सकता है। Exactly. तो मैं उसको कहता कि नहीं ये नहीं कुछ कर सकता, यू नो, बट इट वाज शॉकिंग मुझे, वो कह रहे कि यार वो ही एफर्ट और वो एक्ट कर रहे हैं बच्चे, मैंने थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व किया, वो फलाना मैं गॉड बना, वो फलाना गॉड बना, वो अजीब जो भी बने हुए करेक्टर उसके कार्टून के या गेम थी जो भी, ये हालात है। मैं यही बताने लगा था आपको कि देखें लूसीफर को ना एज ए बेचारा दिखाया है उस सीरीज, मैंने देखी नहीं है लेकिन ये कि जितना उसके बारे में पढ़ा है और जितना लोगों ने बताया, दूसरा लूसीफर को ना वो एक पावरफुल बीइंग और गॉड ऑफ हेल दिखाते हैं, जब भी वो अपनी मूवीज में उसकी वो एक उसका एक करेक्टर दिखाते हैं ना कि यानी वो रूल कर रहा है हेल को और लोगों पे वो रूल करेगा इन दी हेल फायर। बल्कि ये जो कुछ म्यूजिशियंस है ना उन्होंने ये बकायदा सेंटेंस कोटेड है उनका, एक म्यूजिशियन है मेरे जहन से नाम निकल गया, उसने कहा था कि मेरे लिए बहुत बेहतर ये है कि मैं लूसीफर के पास हेल में चला जाऊँ जहाँ वो मुझे रूल कर रहा है, रादर देन गोइंग टू गॉड इन दी हेवन। तो ये इसको भी बड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है टीवी सीरीज और मूवीज के थ्रू। तो इस सब बातें करने का इख्वान मकसद ये था हम सबका कि हमने, देखिए हमने शैतान से डराना नहीं है, एक मुसलमान मोमिन शैतान से जिन्नात से डरता कभी भी नहीं है, ठीक है। जैसे आज जो मेरे खुद भी शेख बता रहे थे ना कि जब उबैद बिन काब के पास शैतान आया और कि उनकी खजूरें कम हो रही थी, इंसान शक्ल में आया, तो उबैद बिन काब मर्द मर्द की तरह थे और खड़े हुए थे और कहते हैं कि हाँ जी क्या है, हम तो बिल्कुल बिल्ली बन जाते हैं, फिर ऐल जा रहे हैं सारी ले ले नसो, सही बात है। और ये कि मैं जा रहा हूँ भाई, जिन आ गया और उसका हाथ दिखा, जब उसने कहा तुम हाथ दिखा, तुम इंसानों से जिन में से हो, कहता हाथ देखा उसका हाथ कुत्तों वाला हाथ था, कुत्तों वाला हाथ तो फोत हो जाते, कुत्तों वाला हाथ देख के उसका हमने वहीं से दौड़ लगा दी। अच्छा क्यों भाई, बिन काब क्यों नहीं फोत हुए और क्यों हुए, क्योंकि कुरान के अंक से जो ताल्लुक था ना, ईमान जो ईमान था उनके दिलों में और जो तौहीद थी उनके दिल में, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। सो वो जो है ना जिन भी बता के चला गया कि तुम्हें आदमी कुछ पढ़ा करो, हम नहीं आएंगे आज के बाद, तो हमने डरना नहीं है इनसे, बिल्कुल भी नहीं डरना, हमारे पास जो ईमान है इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है, इमेजिन नहीं करो, देयर प्लॉट इज वीक, इन कई द शैतान ने कायना ज़ईफ एग्जैक्टली। लेकिन हमारा मकसद जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप आंखें खोलें और आप केयरफुल रहें, ऑन करें अपने बच्चों को भी आप बचाएं और दीन की तरफ लाएं अपने बच्चों को, वरना आप इस पे रिलाई करेंगे कि टीवी उनकी परवरिश कर देगा या बस कार्टून दिखाई जाए मूवी, तो वहां तो ये सब कुछ चल रहा है। बच्चों को डिज्नी ना पाले,
नौजवानों को हॉलीवुड बॉलीवुड ना पाले, आप क्रेजी ना हो ये एडिडास और नाइकी और बैलेंसियागा और गुची टाइप के ब्रांड्स के पीछे, क्योंकि ये ब्रांड्स पीछे क्या कुछ फीड कर रहे हैं और इनका पैसा कहाँ लग रहा है हमें आइडिया नहीं है। यार बच्चों के हवाले से तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स देमसेल्व्स स्टार्ट ओनिंग योर दीन, अपनी लाइफ में इस्लाम को लेके आए, इस्लाम की आइडेंटिटी को। दूसरी बात ये है ना कि हमारे यहाँ बड़े दीनदार पेरेंट्स हैं, बट दे हैव नो क्लू व्हाट द किड्स आर वाचिंग। एक्सपोजर नहीं है दे, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये है कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना उनको पता होना चाहिए कि यार अच्छा हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमने अपना सावज की, लेकिन हमारे बच्चे क्या देखते हैं। वो वीडियो गेम्स उनके साथ बैठ के थोड़ी देर देखे तो सही ना, बाप मेरा बेटा कौन सी वीडियो गेम्स खेल रहा है, उसमें हो क्या रहा है, सही कह रहे, ताकि वो उन तक कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल सही, वही बात है कि बच्चे डिज्नी और ये गेम्स उनकी परवरिश ना करना शुरू कर दें। सो ये अवेयरनेस पेरेंट्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ऐसे ही जिनके बच्चे टीन एज में जा रहे हैं ना, वो जो आपने एनिमेशन इनकी बात की तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे मुझे कोई यंग बॉयज थे वो कुछ बता रहे थे अबाउट दिस, इवन ये जो क्रेज है वो कोरियन बैंड कौन सा है, BTS का, मतलब एक बच्ची थी वो कहती है आई एम एडिक्टेड टू BTS की चीजों में, क्या इंटरव्यू में बस BTS रिलेटेड हर चीज देखती हूँ। मतलब अब पेरेंट्स को पता हो कि मेरे बच्चे क्या चीजें हैं, क्या देख रहे हैं, ताकि वो उसकी उस से रोल मॉडलिंग कर सके, इस्लाह कर सके। मैं ये भी कहता हूँ कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ठीक हो जाएं, लेकिन पेरेंट्स खुद पे नहीं काम करते। That's why I was saying कि मैं वो दूसरे पेरेंट्स की बात कर रहा था जो अपने ऊपर खाली काम करते हैं, क्योंकि मैंने मेरा ऐसे पेरेंट्स से भी वास्ता पड़ा है कि वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को कुरान आ जाए, हमारी फैमिली को पता चले कुरान इसने कंप्लीट कर लिया, इसको पढ़ना आता है। लेकिन अगर आप उनका खुद का लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल देखें तो दैट्स नो वेयर डियर डिस्क्रिपेंसी। और अगर हमने शेख वल्लाह अभी आंखें ना खोलना है, दिस इज द फाइनल टाइम, यानी दिस इज हम बिल्कुल खाई के ना कोने पे आ चुके हैं अब यहां पे। एग्जैक्टली, अगर हमने अभी ना खोलना तो हमारी आने वाली नस्लें दज्जाल के फॉलोअर्स में से होंगे और इमाम मेहदी के फॉलोअर्स में नहीं होंगे, हमारी नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें, दे विल बी, अल्लाह ना करे अल्लाह कभी ऐसा दिन ना दिखाए, दे विल बी होमोसेक्सुअल्स एंड दे विल बी कटिंग देयर organs and they'll be boing in front of shaitan. Yaar, very big responsibility, Muhammad Ali bhai. Aaj kal ke jo humare leaders hain, youth influencers hain, main samajhta hoon. Ji, ji, ji. Allah Tala hum sabko hidayat de, is cheez ki awareness sab mein ho. Imagine kare ke sare influencers agar hamari youth ko is common goal ki taraf awareness dilane wale ban jaye to hamare muashre mein bada change aa raha tha ki US mein जो टिकटॉक जिस तरह कंटेंट दिखाया जाता है और टिकटॉक कंटेंट जो चाइना में दिखाया जाता है इतना डिफरेंट है कि उसकी वजह से अभी आप यूथ यूएस की यूथ से पूछे ना व्हाट डू यू वांट टू बिकम, दे ऑल वांट, उनका पता नहीं मोर देन 50 वांट्स टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर। आपकी बात से मुझे ख्याल आया कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त आपके सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे, उनका जो इम्पैक्ट ऑन यूथ है ना वो far greater than probably any other media, जो जो का जो है ना mainstream media, उसका वो influence अब youth पे नहीं रहा, channels का versus जो हमारे बड़े बैठ के देखते हैं ना political shows और वो चीजें, but लड़के बच्चे यार youth everybody is Instagram, TikTok and all of these, ये बहुत अच्छी बात है कि जो influencer है जो भी है जिस मर्जी field का है उसको ना एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि यार अच्छा if I have a big following ना तो मैं अगर कुछ अच्छाई नहीं बता पा रहा या बता पा रही तो मैं कुछ गड़बड़ की तरफ भी ना लेके जाऊं, आई शुड यू नो रिस्पांसिबल। मैं कहता हूं कि आपको दीन का कोई भी अगर गलत कॉन्सेप्ट है ना कि कौन से बड़े सेक्ट्स हैं ये मौलवी आपस में लड़ते हैं व्हाटएवर, मैं कहता हूं इस डिस्कशन में आप ना पड़े, यू नो जो दीन की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोपेगेट करें इसको, तो एटलीस्ट जो है वार्न करें ना लोगों को, ये जो चल रहा है मीडिया में और व्हिच इज वेरी एविडेंट उससे तो वॉइस रेज करें ना। Influencers, they themselves don't know what the real problem. They think कि पाकिस्तान में कर्जा उतारना सबसे बड़ा मसला है या फॉर एग्जाम्पल ये काम करना सबसे बड़ा मसला है, इसको बोलते हैं रेड हेरिंग, ठीक है। यानी आप आपका टारगेट ये है और आप वहाँ पे लॉलीपॉप दिखाओ, उनका असल मसला ये है, रेड यहाँ दिखाओ। दे डोंट नो कि ईमान बचाना और अपने आप को मुसलमान बनाना और इस्लाम को ओन करना ये असल काम करने वाला है। आप देखिए अभी भी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स भी जो सीईओज हैं सीएफओज जब बैठते हैं ना, कहते हैं यार ये काम हो जाए ना पाकिस्तान में कर्जा होता जाएगा, ये काम हो जाए फलां पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, ये मसले नहीं है ये वाले, ये मसले नहीं है ये। सो मैं कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स खुद नहीं पता कि असल मसले क्या है, दे आर देमसेल्व्स डिस्ट्रैक्टेड। बिल्कुल, तो क्लियर विजन होना, और मैं समझता हूँ ये रमजान बहुत ज्यादा करनी चाहिए।
वो जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कम वरज़ुक्ना तिबाअ व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक्ना इज्तिनाबा। या अल्लाह हक दिखा दे और अतात करने की हिम्मत दे और बातिल में दिखा दे, हमें ब्लाइंड ना रख ताकि हम पहचान सके बातिल क्या है, क्योंकि हक और बातिल की पहचान बड़ी जरूरी है। और यही काम इल्म करता है। इल्म चीजों को अहदीस कुरान के हिफ्ज करने का नाम नहीं है। इल्म हक और बातिल में क्लैरिटी देता है कि अच्छा ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।